कृषि कॉम्प्लेक्स व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनमानस को प्रसाद वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व युवाओं द्वारा प्रभु श्री राम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, प्रभु श्री राम की जय घोष से राममय हो गया वातावरण। सदर सांसद रवि किशन ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महादेव झारखंडी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, नागरिकों के साथ बैठकर देखा राम मंदिर का प्रसारण, कहा सभी गुड मॉर्निंग छोड़कर बोलना चाहिए अब जय श्री राम। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने तारामंडल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में किया साफ सफाई, कहा राम मंदिर बनने से समाज के सभी नागरिकों के अंदर आई है एक नई भावना। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने रेलवे स्टेशन गेट के सामने नागरिकों के साथ बैठकर देखा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कहा हमारे कई जन्मों का है पुण्य, देख रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामचरितमानस का किया पाठ, आज पूरा देश हो गया है राममय। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बलदेव प्लाजा के दुकानदारों ने भगवान राम का एक साथ 51 शंख बजाकर किया पूजा अर्चना, किया हवन व पूजन, 500 वर्षों का सपना हुआ साकार। गोरखपुर के चिलवाताल थाना क्षेत्र में युवती का वार्षण करने वाले क्लिनिक के संचालक और सहयोग करने वाली नर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महुआपार स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ शिव मंदिर पर रामायण पाठ का किया गया आयोजन। राधा कृष्ण मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा, बेलीपार थाना परिसर में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए देवगढ़।